आप सभी जानते हैं कि ड्रग्स के मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से पूछताछ कर रही है एनसीबी, और इस मामले में अब बहुत बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। पहली बात जो निकलकर सामने आई है कि एनसीबी को 2 हफ्ते पहले पता चल गया था कि ऐसी एक पार्टी होने वाली है। दूसरी बात, इसकी पूरी तैयारी की गई थी कि जब एनसीबी की टीम वहां पहुंचेगी तो पूरे के पूरे सबूत हाथ लगे एनसीबी के। आप जानते ही हैं कि नार्कोटिक्स का मामला ऐसा है कि अगर सबूत हाथ ना लगे तो मामले को अदालत में सिद्ध करना एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। इसलिए पूरी तैयारी इस बात की गई थी कि जब शिप पर यानी क्रूज पर पहुंचेगी एनसीबी की टीम तो उसके हाथ में सबूत लगने ही चाहिए, ताकि ये जो एक नई तरह का मोडस ऑपरेंडी सामने आया है कि क्रूज पर ले जाकर यूथ को ड्रग्स देना, इसको रोका जा सके। एक और बात एनसीबी के इतिहास में कही जा रही है कि शायद पहली मर्तबा हुआ है कि इस तरह से क्रूज पर बीच पार्टी में पहुंची है एनसीबी की टीम सादे लिबास में, ताकि कोई पहचान ना पाए। और जैसे ही पार्टी शुरू होती है रंगे हाथों रेड डाली जाती है बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में, और पकड़ा जाता है बॉलीवुड के एक सो कॉल्ड सुपरस्टार का बेटा जो पिछले 30-40 सालों से पूरे देश को रोमांस करना सिखा रहा है। लेकिन अपने बेटे के साथ क्या सीख दी गई कोई नहीं जानता, कि आज एनसीबी की हिरासत में है बेटा और उससे पूछताछ की जा रही है। एक और बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि बॉलीवुड पर एक और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है, वो भी तब जबकि 22 अक्टूबर से ऐसा माना जा रहा था कि महाराष्ट्र में भी सिनेमाघर खोल दिए जाएंगे और बड़ी बड़ी फिल्मों की रिलीज डेट अनाउंस की जा रही थी। उस सब के बीच लोगों के सामने बॉलीवुड का एक और काला चिट्ठा, एक और कच्चा चिट्ठा खुल गया है। अब ऐसे में जो पिछले 15 महीने से बॉयकॉट बॉलीवुड का मामला चल रहा था वो इससे अब और भी तूल पकड़ेगा और आने वाली सभी फिल्मों पर इस मामले का असर हो सकता है। हालांकि अभी तक गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये कहा गया है कि आर्यन खान से पूछताछ की जा रही है, उनके मोबाइल को चेक किया जा रहा है, चैट्स देखी जा रही हैं, और इसके अलावा और जो बाकी के 7 लोग, कुल 8 लोग हैं इस समय, उन सब के मोबाइल फोन देखे जा रहे हैं। क्योंकि इस मामले का सीधा सीधा कनेक्शन बॉलीवुड से निकला है, इसलिए पूरे बॉलीवुड में इस समय माहौल बहुत अलग तरह का हो चुका है। क्योंकि जितने बड़े प्रोड्यूसर्स ने अपनी आने वाली फिल्मों की रिलीज डेट अनाउंस की थी, अब उन्हें एक अलग तरह का डर सताने लगा है, क्योंकि अब पब्लिक के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा उन सभी फिल्मों को भी। क्योंकि आप जानते ही हैं कि बॉलीवुड इस समय पिछले करीब 15 महीने से बॉलीवुड की साख पे जो बट्टा लगा है नेपोटिज्म के नाम पर या ड्रग कार्टल के नाम पर, वो अभी पूरी तरह से धुल नहीं पाया है कि उसके बीच में एक और बड़ा नाम ये निकल कर आ जाता है। पिछले कुछ दिनों में जितने बड़े नाम निकले लोग अभी उन्हीं से खफा हैं, और अब इसमें नए नाम और जुड़ते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ा मामला है। अब देखना यह है कि हिरासत के बाद गिरफ्तारी होती है या नहीं, क्योंकि गिरफ्तारी होने का मतलब यह है कि अगर मेडिकल रिपोर्ट में सब कुछ सामने आ जाता है कि कितनी मात्रा में ड्रग्स कंज्यूम किए थे और कौन कौन से ड्रग्स कंज्यूम किए थे, उसके बाद ही पूरा फैसला होगा। तो इंतजार है, नजर बनी हुई है इस खबर पर। जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन निकल कर आएंगी मैं आपको बताने तुरंत लौटूंगा।